संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत। राजमिस्त्री का काम करता था मृतक, मजदूरी के पैसे देने के लिए घर बुलाया था। बीती रात लगभग 10 बजे बेसुध अवस्था में घर चार पहिया वाहन से घर छोड़े गए। मृतक की पत्नी ने लगाया हत्या करने का आरोप, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बड़ी खबर फफूंद औरैया से, जहां औरैया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी राजमिस्त्री को त्यौहार के अवसर पर मजदूरी का पैसा देने के लिए ककोर स्थित एक व्यक्ति ने अपने घर बुलाया। बीती रात लगभग 10 बजे आरोपित व्यक्ति द्वारा कार द्वारा मिस्त्री को बेशुद्ध अवस्था में गांव स्थित उसके घर छोड़ गए। मृतक मिस्त्री की पत्नी ने हत्या कर शव को घर में फेंक जाने का प्रार्थना पत्र पुलिस को दिया है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फफूंद थाना क्षेत्र के गांव दकलीपुर निवासी संजीव कुमार उर्फ कल्लू 36 वर्षीय पुत्र स्वर्गीय बसंत लाल राजमिस्त्री का काम करता था। मृतक की पत्नी श्रीदेवी ने थाने में दी तहरीर में कहा कि पति ने लगभग एक महीना केपी यादव पुत्र सुभाष यादव व सुभाष यादव पुत्र हरनाम सिंह यादव निवासी गांव उमरसाना थाना दिव्यापुर के घर बिल्डिंग चुनाई का काम किया था। पति ने जब काम के पैसे मांगे तो नहीं दिए। सोमवार शाम 5 बजे रुपये देने के लिए केपी यादव ने फ़ोन करके अपने ककोर स्थित मकान पर बुलाया और वह काफ़ी रात तक पति को वहाँ पर रखा। हमारे पुत्र ने कई बार केपी यादव से कहा लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। रात में लगभग 10 बजे केपी यादव के दो तीन अज्ञात साथी पति की हत्या कर हमारे घर में उसे फेंक गया। आसपास के लोगों ने देखा तो आरोपियों की कार रोकने का प्रयास किया लेकिन उसने और उसके साथियों ने गाड़ी नहीं रोकी और जाति सूचक गालियां देते हुए भाग गए। मृतक के तीन बच्चे जिसमें बेटा दीपेंद्र 16 वर्ष, आशिक बाबू 13 वर्ष, बेटी सृष्टि 10 वर्ष की है। मृतक के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका है। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाने की पुलिस लगा दी गई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया। थानाध्यक्ष गंगादास गौतम ने बताया कि तहरीर के आधार पर अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया है। एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाकर दबिश दी जा रही हैं। उप संपादक विमल पांडे के साथ कैमरामैन मोहम्मद साहिब। नाम है आपका? श्रीदेवी। कहाँ रहती हो? तकलीफ। संदीप कौन थे आपके? पति। कैसे क्या हो गया? काम कर रहे थे, काम के पैसा लेने गए, तीन चार दिन हो गए मांग रहे, इन्हें नहीं दे तो कल लोग गए लौट या भी नहीं दे नहीं की बात। इन्हें लोग फिर साफ 4 बजे गई करो फोन बच्चन से, तो लड़का ने बताओ नहीं ना बताओ नहीं नहीं जाइए जी लेवाए गए, तीन चार बार फोन करो इसने लेवाए गए। कौन ले गया? केपी। कहाँ रहते हैं वो लोग? उमरसाना। फिर ले गए, फिर क्या हुआ? ले गए फिर इन्हें खवाई पिवाई जो कुछ हमने बच्चन को भेजो, हमने लल्ला देख लिया तब नहीं आए पापा देखने गए। अब तिवार के अंदर भीतर बैठा रहे हैं, तिवार खड़बड़ाए बच्चन ने खड़बड़ा के तब निकले कही अब हम कि कर जाएंगे कर जाएंगे कि अब कही, तो और आधा घंटा फिर हो तमने फिर फोन लगाओ हमने कहा हमने कहा इनको कहाँ छोड़ दो हमने कहा वो नहीं आए कही अब आए रे यार कहाँ आए, फिर हमने फिर कही अब हम ले आए रहे कही ना यार हम आते अंदर इन खटिया डरी थे इनसे उठाए डर के गाड़ी में आते हैं लटाए गए चप्पल यहाँ फेंक दई भाग गए आ नहीं चले गए। दो लड़का और आते संग में दो। मैं आपका कहाँ रहते हो? मृतक कौन थे आपके? मृतक कौन थे आपके? कैसे क्या मामला हो? अरे वहाँ काम करते थे तो रोज जाते थे, कहते थे कि काम करो, मेरे पिताजी कहते पैसे दो पहले फिर काम करेंगे, तो ये बोले कि उनके पिताजी बोले कि मेरी चेक लगी है 1.5 लाख की उस बैंक में, जब वो आएंगे सो देंगे, तो पिताजी मेरे फिर लौट जाते थे। फिर उन्होंने कल कॉल की, 5 कॉल की थी, तो वो शाम वाली उठाई 4:50 पर कि पैसे ले जाओ आकर, तो चले गए। फिर उन्होंने कहा 15 या 20 मिनट में कि आ जाएंगे घर, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं आ जाएंगे। फिर हम घर पे बने रहे, पर 10-15 मिनट बाद हम घर गए, फिर वहीं गए उधर, मैंने कहा ठीक, वो बोले अपने पिताजी उनने नहीं सुनी, दो बार बोले तो भी नहीं सुनी, तो मैंने उनको गेट पे धक्का दिया, तब उन्होंने कॉल कौन है, हमने यहाँ में मिस्त्री लड़के, तो उनने गेट खोला कि क्या है, हमने पिताजी है मेरे, बोले हाँ, हमने कि घर भेज दो, बता कि हम भेज देंगे कि तुम जाओ भी हम भेज देंगे। फिर उनने 10-15 मिनट का टाइम दिया, तो बोले हम ककोर में बाजार आ जा कुछ करने लगे, पेट्रोल डराने गए थे, तो हमने ठीक पेट्रोल डरा कर आए, हमने कि एक मेरा दोस्त और था, हमने चलो एक बार और देखे यहाँ चले चले गए कि नहीं चले गए, तो फिर वहीं थे, हमने कि अब तो चलो, बोले कि हम भेज देंगे, हमने ठीक है कोई बात नहीं भेज दी, फिर हम घर चले आए।
फिर लगभग एक घंटे बाद या आधे घंटे बाद मैंने फिर कॉल की, हमें कि अभी नहीं आई, तो रात हो गई, 7:30 फिर हमने फिर कॉल की, बोले कि हम दिव्यापुर रहेंगे, किसी छोड़ने गए हैं स्टेशन पे। हमने कि अच्छा, हमने कि मेरे पिताजी नहीं आए, ढूंढ के ले आओ। बोले कि ठीक है, हम अभी ले आ रहे हैं, ढूंढते हैं। तब वे आके ढूंढ के आए, तब यहाँ पर ले आए, दो लड़के और थे, उनको पकड़ा, मुझसे कहा पकड़ो, खाट पर पड़ा दिया, बस वो चले गए सीधे। यार किसके घर पे गए थे? हम ये यहीं केपी का घर बना आया था। कहाँ पर रहते हैं वो लोग? वो लोग उमरसाना रहते हैं। क्या नाम है उन लोगों के? उनके पिताजी का नाम है सुभाष। उनके घर पे गए थे पिताजी आपके? हाँ हाँ। फिर वहीं पर हमने एक दिन काम भी किया था। काय का काम करते हो आप और आपके पिताजी? मेरे पिताजी मिस्त्री हैं। उनका ही मकान बना रहे थे? हाँ, उनका मकान बना रहे थे ऊपर। सत थाना पपुन क्षेत्र में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, क्या है पूरा मामला? आज दिनांक 20/8/2024 को थाना पप्पू क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति संजीव कुमार दोहरे, जिनकी उम्र लगभग 42 वर्ष है, जो दखलीपुर थाना पप्पू क्षेत्र के रहने वाले थे, वो राजमिस्त्री का कार्य करते थे। अपने मजदूरी का पैसा मांगने के लिए अपने बगल के गांव मरसाना थाना दिबियापुर में गए हुए थे, जहां उक्त व्यक्ति एवं संजीव कुमार दोहरे जी एक साथ मदिरापान का सेवन किए। मदिरापान सेवन के उपरांत रात लगभग 10 बजे अपने 4-पहिया वाहन से उक्त व्यक्ति एवं दो उनके अन्य सहयोगियों के द्वारा ले जाकर के संजीव कुमार दोहरे जी के घर पर उनको छोड़ दिए। यहां पर इनके परिजनों के द्वारा इस संबंध में बताया गया कि वो उनकी मृत्यु हो गई है। परिजनों के द्वारा एक व्यक्ति को नेम्ड एवं दो अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी गई। तहरीर के अनुसार फफूत थाने में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। सौ का पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दो टीमों का गठन किया गया था, जिसमें से एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है, दो अन्य व्यक्तियों को शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है, मौके पर शांत व्यवस्था कायम है।